मोजीडी कोलेरी तिजवा दो नंबर बस्ती में जनता मजदूर संघ की संयुक्त महामंत्री भाजपा प्रदेश कार्यसमिति श्रीमती राजनीति आए हैं। आप माताओं बहनों प्रेस बंधुओं सबका मैं स्वागत करता हूं कि और रागिनी सिंह ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर दिए हैं। यहां पर बहुत सी समस्याएं हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई कुछ प्राइवेट काम, तो यहां पर हम कहना चाहेंगे बहुत से माता बहने यहां के युवा बेरोजगार आप पे आस्था रखते हुए आप पे विश्वास किए हैं कि हमको श्रीमती रागिनी सिंह मेरे कष्ट दूर करने का काम करेंगे। जितना समस्या है ज्यादा से ज्यादा हल करने का कोशिश किया जाएगा। हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ बगल में एक कोल्ड डम्प खुला है जिसका है कि ग्रामीण यहाँ का नौजवान भूख कम खा रहे हैं और यहाँ पर बहुत आशा था कि हम लोग को रोजगार मिलेगा और कोल्ड डम्प मात्र यहाँ से सब छटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ दमन किस्म के दलाल किस्म के नेता लोग आपस में गुट बनाकर कुछ क्या बोलता है एक और गुट बनाकर कि किसी को गरीब को लेने नहीं देना है, सब पैसा खुद खा जाना है। तो यहाँ पर मजदूर लोग को बहुत आशा है कि हम लोग को भी रोजगार मिले। तो हम यही कहना चाहेंगे श्रीमती रागिनी सिंह से कि उनको रोजगार दे और हम लोग का दस को दंगल सरदार भी बना है, लेकिन वो लोग अभी तक हम लोग का दंगल को पैसा नहीं दिए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर सरदार लोग बात नहीं मानता कोल्ड होम में तो हम लोग भी ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा इतिहास बन जाएगा। हम लोग मजदूर के लिए जीते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम माफिया लगा देंगे, गुंडा भगा देंगे। यहाँ का नेता लोग गुंडा माफिया भगाने में मत रहता है, जनता मजदूर सब किसी को भगाने में विश्वास रखता है और मैं किसी को मारने में वो विश्वास रखता है। मजदूर का काम कराने में कैसे जनता का भला हो, कैसे मजदूर का भला हो, हर परिवार समाज सेवा में लगा हुआ है, हमेशा दरवाजा खुला रहता है कि कैसे भी किसी का काम हो, किसी का भलाई हो, कोई मेरा दरवाजा से निराश होकर ना जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि राजीव भाभी आई है, जरूर कुछ न कुछ करेगी। हर काम एक दिन में नहीं हो जाता है, समय लगता है, लेकिन होगा। इतना विश्वास किए हैं कि इसका हल जरूर निकलेगा और जब हम पक्का कहते हैं कि निकलेगा, थोड़ा समय दीजिए। और यही कहना चाहेंगे कि डंप में अगर नहीं मिलता है सरदारी और मजदूर का पैसा तो हम लोग भी चक्कर जाम करेंगे। हम लोग के लिए हमारा नेता पूरा जी जान से साथ देगा और हम लोग लड़ना तो हम लोग को होगा। आप माता बहनों का हमको लड़ना होगा, अपना हक लेना होगा। नेता बाद में आएंगे, पहले आप लोग को यहाँ पर हम लोग अपना एकता दिखाएंगे, तब यहाँ का हमारे नेता जी आएंगे, हम लोग का न्याय दिलाएंगे। इसलिए हम लोग को चट्टानी एकता का परिचय देना है और अपना हक लड़ के लेना है, चाहे जो हो जाए वहाँ पर अपना हक लेकर रहेंगे।